please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बीच बड़ी खबर दीपक विश दे रहे हैं। एलएन जेपी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए दो कैदी फरार हो गए। दिल्ली पुलिस की तीसरी बटालियन कैदियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाई थी। आरोप है कि कैदियों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्च पाउडर डाला और मौके से फरार हो गए। ये भी आरोप है कि कैदियों ने भागते वक्त फायरिंग भी की। दीपक क्या जानकारी? आधे घंटे पहले की बात है और यहाँ पर एक कैदी जो है तीसरी बटालियन उसे लेकर आई थी और जेल से यहाँ पर इलाज के दौरान वो मेडिकल कॉलेज के पास आता है, क्योंकि मौलाना मेडिकल और एलएनजेपी अस्पताल दोनों यहाँ पर एक दूसरे से सटे हुए हैं। जब पूरी कैदी को बाहर लाया जा रहा था तो पहले से यहाँ पर बताया जा रहा है कि घात लगाकर कुछ बदमाश के साथी यहाँ पर छुपे हुए थे और गाड़ी में यहाँ पर आए थे किसी प्राइवेट नंबर के व्हीकल पर, और अचानक पुलिस वाले जो तीन पुलिस वाले उसको लेकर यहाँ बाहर निकले ही थे तो अचानक उनके ऊपर मिर्ची वाला पाउडर जो है उनकी आंखों में डाल दिया गया तीनों पुलिसकर्मियों के ऊपर। उसके बाद अपने साथी को यहाँ पर से ले जाने लगे तो पुलिसकर्मियों ने हवाई फायर भी किए हैं, चार राउंड लगभग फायर हुआ है, पर हालांकि पुलिस वालों ने फायर करने के दौरान उनको गोली अभी तक लगने की कोई बात नहीं आई है सामने, लेकिन जो बदमाश था उसको वो अपने साथी को फरार होने में मदद की उन्होंने उसे लेकर यहाँ से भाग गए। फिलहाल पुलिस की टीमें जगह जगह काम्बिंग कर रही है, जगह जगह नाकेबंदी की गई है ताकि जो फरार कैदी है उसको पकड़ा जा सके। वहीं जिन पुलिसकर्मियों की आंख में मिर्ची गई थी उनको इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी शुक्रिया दीपक। दिल्ली के एक बड़े मॉल में ईडी की टीम पीएनबी घोटाले से जुड़े गीतांजलि के एक शोरूम में छापेमारी करती दिखी। इसके अलावा 11,400 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी से जुड़े देश के कई ठिकानों पर रविवार को भी छापा मारा गया, जिसमें ईडी के अधिकारियों ने नीरव मोदी के रिश्तेदार मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि को निशाने पर लिया और दिल्ली के एक बड़े मॉल में गहनों के शोरूम गीतांजलि में करीब 3 घंटे तक दस्तावेज की जांच की। स्टाफ के अंदर यहां गीतांजलि डायमंड आउटलेट है जो नीरव मोदी का है, वहां पर ईडी के करीबन 6 अफसरों की टीम 2.5 घंटे से ज्यादा से सर्च ऑपरेशन कर रही। इतना ही नहीं, दिल्ली के अलावा ईडी की टीम रांची में गहने के एक शोरूम में दाखिल हुई और शटर बंद करके घंटों पूछताछ की। वहीं पटना में 1 करोड़ की डायमंड ज्वेलरी जब्त की। रविवार को ईडी की टीम के छापेमारी का ये सिलसिला देश के अलग अलग हिस्सों में दिन भर चलता रहा और इसके साथ ही ईडी ने पीएनबी घोटाले में शिकंजा कस दिया, जिसके तहत नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े दस्तावेज और उनकी संपत्ति के कागजात का ब्यौरा खंगाला गया। जानकारी के मुताबिक रविवार को ईडी ने एक साथ दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, अहमदाबाद, पटना, रांची, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी में छापेमारी करके कई अहम सबूत इकट्ठा किए। एक तरफ ईडी की छापेमारी चल रही थी तो दूसरी तरफ मुंबई में सीबीआई ने पीएनबी के 10 अधिकारियों के साथ घंटों पूछताछ की और गीतांजलि ग्रुप से जुड़ी 18 कंपनियों की बैलेंस शीट की छानबीन की। इसके अलावा सीबीआई ने भी पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और दूसरे आरोपियों को पकड़ने के लिए कवायद तेज कर दी और मामले के आरोपियों को सीबीआई ने समन भी जारी किया, लेकिन इस मामले के आरोपी देश छोड़कर भाग चुके हैं। जानकारी के मुताबिक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद मांगी है। इसके लिए दुनिया के एयरपोर्ट को नोटिस भेजा जा चुका है ताकि नीरव कहीं जाने की कोशिश करे तो भारतीय जांच एजेंसियों को जानकारी मिल सके। फिलहाल पीएनबी घोटाले में सीबीआई को आरोपियों की तलाश है तो ईडी की नज़र में आरोपियों की 200 शेल कंपनियां और बेनामी संपत्ति है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने दावा किया कि उसे पीओके के गुलपुर इलाके से बैट के जवानों और कुछ आतंकियों के एलओसी पार करने की पुख्ता जानकारी मिली थी, जो एलओसी के पास बनी सेना की चौकी पर हमले की फिराक में उनसे महज 100 मीटर की दूरी तक पहुंच चुके थे, लेकिन पहले से मुस्तैद भारतीय जवानों ने घुसपैठियों पर फायरिंग शुरू कर दी और एक घुसपैठियों को मार गिराया। सेना का यह भी दावा है कि पाकिस्तान की सेना ने भी इन घुसपैठियों को कवर देने के लिए फायरिंग की, जिसमें सेना के 3 जवान घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए पुंछ भेजा गया। उधर दिल्ली में अग्रवाल समाज के एक समारोह में सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएनबी घोटाले पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार की तरह मोदी सरकार भी भ्रष्ट है, जिसके बाद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से इस मामले पर बयान देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सभा में मौजूद लोगों के सामने दावा किया कि भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस और मोदी सरकार में कोई फर्क नहीं है। जितने घोटाले कांग्रेस के टाइम में चल रहे थे कोई भी बंद नहीं हुआ, वो सारे घोटाले अभी भी चल रहे हैं। पहले उसमें कांग्रेस खाया करती थी, अब बीजेपी वाले खा रहे हैं। केजरीवाल ने ये भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामले में दोनों पार्टियों के बीच एक तरह की सहमति बन गई है और इसी बहाने पीएम मोदी से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 3 साल में किसी भी कांग्रेसी पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया।
और बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए मनोज तिवारी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक साथ राहुल गांधी और केजरीवाल पर हमला बोला। अब तो कंपटीशन हो रहा है कि राहुल गांधी ज्यादा भ्रष्ट या अरविंद केजरीवाल ज्यादा भ्रष्ट। वहीं जेडीयू से अलग हुए शरद यादव ने पीएनबी घोटाले के मामले में मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया। हमें जिताया इसलिए कि तुम अपने वादे पूरे करो, मुझसे बेहतर काम करो। शरद यादव ने ये भी दावा किया कि पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के अलावा इस मामले में कई और घोटालेबाज हैं। लेकिन इस घोटाले पर हो रही सियासत यही खत्म नहीं हुई। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले पर एक तीर से दो निशाने साधे। जहां एक तरफ पीएम मोदी का बचाव करते दिखे तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री को लपेटे में लेने की भी कोशिश की और वित्त मंत्रालय से पीएनबी घोटाले पर बयान जारी करने की मांग की। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाना पड़ेगा। जबकि कांग्रेस ने सीधे सीधे पीएनबी घोटाले में बीजेपी के हाथ होने का आरोप लगा दिया। जितनी ये सरकार बड़ी बातें करता है काम करने, उतने बड़े घोटाले भी करता है। आजाद ने ये भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं लेकिन सरकार खामोश है। उधर मध्य प्रदेश में छतरपुर के सरकारी अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी एक गर्भवती महिला की जांच करती दिखी। आरोप है कि डॉक्टर की तैनाती नहीं होने की वजह से यह अस्पताल नर्स और सफाई कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है और इस अस्पताल में तैनात सफाई कर्मचारी ही इलाज के लिए पहुंची गर्भवती महिलाओं का जांच करती है। अस्पताल में तैनात नर्स ने दावा किया कि अस्पताल में बिजली का इंतजाम भी ठीक नहीं है जिसकी वजह से कई बार टॉर्च की रोशनी में महिलाओं की डिलीवरी होती है। भगवान भरोसे डिलीवरी होती है, यहाँ पे कौन कोई डॉक्टर है। इलाके के विधायक ने विधानसभा में मुद्दा उठाए जाने के बावजूद अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती नहीं होने की दलील दी। मेरे यहाँ जितने अस्पताल हैं डॉक्टर नहीं है, मैंने कई बार विधानसभा में भी लगाया, ध्यानाकर्षण में भी लगाया। छतरपुर के अस्पताल में इलाज के लिए भटक रहे मरीजों ने एम्बुलेंस के ड्राइवर पर भी पैसे वसूलने का आरोप लगाया जिस पर अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। दिल्ली में जनकपुरी इलाके में एक फ्लाईओवर पर कुछ लोग एक कार को धक्का देकर हटाने लगे। ये कार बेकाबू होकर इस फ्लाईओवर की रेलिंग से टकरा गई थी जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से कार को सड़क से हटाया। आशंका जताई जा रही है कि हादसे के वक्त कार का ड्राइवर नशे में था क्योंकि इस कार से पुलिस ने शराब की पेटी और कई बोतलें बरामद की हैं। गाड़ी पलट गई, शराब के नशे में बंदे की जान भी जा सकती थी। इस कार हादसे में चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए जिनमें एक महिला भी शामिल है। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जाँच में जुटी है। तो बिहार में मैट्रिक परीक्षा में नकल रोकने के लिए बिहार बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किए। 21 फरवरी से 28 फरवरी तक होने वाली मैट्रिक परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर नहीं आएगा। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान चप्पल पहनना अनिवार्य होगा। नए नियम के मुताबिक परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के दौरान ही परीक्षार्थियों की पूरी जांच की जाएगी। अगर कोई छात्र जूता पहनकर आता है तो क्लासरूम के बाहर उसे अपना जूता उतारना होगा और उन्हें खाली पांव ही परीक्षा देनी होगी। मैट्रिक परीक्षा को लेकर राज्य में 1426 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस बार परीक्षा में कुल 17,70,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। बहुत अच्छा निर्णय है कि इतनी भारी संख्या में छात्र अपीयर हो रहे हैं और सबका जूता खुलवा करके मोजा खुलवा करके जांच करना काफी वक्त लग जाएगा, परेशानी होगी लोगों को, इसलिए कहा गया है कि चप्पल पहन के आइए। जूता उतरवाकर नकल रोकने की कवायद पर सियासत भी तेज हो गई। जो निर्णय लिया है उससे पूछिए कि भाई जूता मोजा कपड़ा बंडी सीएम के सभा में जा तो छाता हटा लो, बुरखा हटा लो, काला रुमाल हटा लो, दुपट्टा हटा लो। ये दिखाता ना कि जनता इनसे नफरत करने लगी है और ये जनता के नेता ये लोग नहीं हैं, ये लोग अधिकारियों के नेता हैं। जैसा अधिकारी पढ़ाएंगे वैसा ये बोलेंगे। एक समय था जब नीतीश कुमार जी की यात्रा होती थी तो मैंने आप काला दुपट्टा पहन के औरतें नहीं जा सकती थी, ये हालत थे, उतरवा लिया जाता था गमछा दुपट्टा, ये तलाशी होती थी कि कोई काला कपड़ा तो लेके नहीं जा रहा है। वही ये हो रहा है, नहीं जूता चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, ये घोर निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। इस तरह के आज कलयुग में इस तरह के जहां पर आप 21वीं सदी का बिहार बनाना चाहते हैं, आप कहिए कि जूता मोजा पहन के नहीं आई, कभी कहीं चप्पल पहन के नहीं आई, कही गई है कि आप टी शर्ट पहन के रखे आइए, आप पॉकेट वाला शर्ट पैंट पहन के नहीं आ सकते, ये कोई दिस इज नॉट फेयर, ये गलत बात है।
पीएम मोदी कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज कर्नाटक में जैन समुदाय के बाहुबली महामस्तिकाभिषेक महोत्सव में शामिल होने के लिए श्रवण बेल गोला जाएंगे। तो शाम को मैसूर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज भोपाल में एक बड़ी रैली करेंगे। अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने चेन्नई में डीएमके प्रमुख करुणानिधि से उनके घर पर मुलाकात की। इससे पहले वो रजनीकांत से मिलने उनके घर भी गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा के सीएम मनोहर पारिकर का मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना। जोहान्सबर्ग टी20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 28 रन से हराया। इस मैच में 5 विकेट लेने के लिए भुवनेश्वर कुमार प्लेयर ऑफ द मैच बने। बिहार के गया में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के बाद 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से हथियार बरामद हुए। बिहार के पटना सिटी इलाके के मितन घाट में जमीन के विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के हतेरा और धर्मापुर गांवों में फर्जी विकास कामों को दिखाकर 50 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। राजस्थान में राजसमंद लाइव मर्डर केस के आरोपी शंभूलाल ने जोधपुर सेंट्रल जेल से 2 वीडियो वायरल कर खुद की जान को खतरा बताया जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जोहान्सबर्ग में मेजबान दक्षिण अफ्रीका की टीम ने तीसरे टी20 मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हरा दिया।